वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत तुलसीदास मेमोरियल कैटलिस्ट हाईब्रिड स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्टाफ व छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। इस मौके पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। उसमें जो है कि लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या उस दिन ध्यान देते हैं जिस दिन घटना होती, फिर धीरे धीरे हम भूल के लापरवाही शुरू कर देते हैं। अभी आप लोगों ने किसी ऑटो में और रोज छूट रहा है किसी न किसी का, क्योंकि आदमी इतना मतलब व्यस्त हो गया, इतना लापरवाह हो गया है कि ध्यान उसका कहीं और रहता है, ऑटो में छोड़ के या रोडवेज बस में ही छोड़ के निकल देता है, बाद में ध्यान आता है। उसमें कई बार बहुत कीमती सामान होते हैं, गहने सोने चांदी के सामान होते हैं, पैसे होते हैं, तो ऐसे हम लोग तो 4-5 दर्जन सामान बरामद करके अभी ले चुके हैं 3-4 महीनों में। तो आप लोगों का कभी कोई सामान छूटे तो आप यातायात पुलिस को सूचना दीजिए, थाने को मत दीजिए, पहले यातायात पुलिस को दीजिए, जब नहीं मिलेगा तब थाने को सूचना दीजिएगा। यातायात पुलिस जो है कि जो हमारे कैमरे लगे हैं चौराहे किराए पर, ITMS के कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से सारा सामान हम लोग खोज के कैमरों के माध्यम से ऑटो का पता लगाते हैं और सामान खोज के बरामद कर ही देते हैं। ट्रेन में बैठे थे, मोबाइल से बात कर रहे थे, मोबाइल सुन रहे, गाड़ी पर जा रहे थे, बात करते लड़की ऑटो पर बैठ करके बीटे की लड़की थी, मोबाइल से बात करते जा रही थी, बदमाश मोबाइल छीनना चाहे उसकी पकड़ मजबूत कर देता है। प्रतिदिन अनाउंस होता रहता है कि फलाने का सामान फलाने ऑटो पर, फलाने का सामान फलाने ई रिक्शा पर छूट गया है, किसी ने सुना है नाम से? इस संबंध में गोरखपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात माह के दृष्टिगत जागरूकता अभियान के क्रम में आज तुलसीदास मेमोरियल कॉलेज में यह अभियान चलाया गया, जहां पर शिक्षकों, अन्य स्टाफ व विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया गया है। इस दौरान मेरे साथ TI मनोज राय साहब और जो है कि TI अजीत पांडे जी मौजूद रहे हैं। सड़क पार करते समय क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं उसको बताया गया। इसके अलावा उनको बताया गया कि अपने गार्जियन को भी जो है कि यातायात नियमों के बारे में बताएं, उनको हेलमेट लगाने के लिए बताएं, उनको शराब पी के गाड़ी न चलाने के विषय में भी बताएं और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के विषय में भी बताया गया है। बायां लेन जो फ्री रखा गया उसके विषय में जागरूक किया गया है। इसके अलावा जो हमारा ITMS का कंट्रोल रूम है, वहां से जो यातायात व्यवस्था संचालित हो रही उसके विषय में भी बच्चों को जागरूक किया गया है कि वहां से कैसे संचालित हो रहा है, कैसे वहां से चालान होता है, सारी बातें बच्चों को बताई गई है।